हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिनका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। इसका भावार्थ हम आपको सुनाने वाले हैं, तो सुनिए। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने के वाला यात्री देखता है कि अब पास आने अपनी मंजिल मेरे पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। वो डर लगता है उसको कि चलते चलते कभी रास्ते के अंदर रात न हो जाए, इसीलिए वह प्रिय मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। इसीलिए उसे ऐसा प्रतीत हो कि जब दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो उसे वह डर लग रहा है कि जल्दी जल्दी दिन बहुत ढलता है। अगला, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया को भरता किस चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस भावार्थ का मतलब है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब बच्चे चिड़िया के बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपनी माँ की, अपने नीड़ों से मतलब अपने घोंसले से झांक रहे होंगे बाहर कि मेरी माँ मतलब चिड़िया आएगी और हमें कुछ खाने के लिए देगी। यह ध्यान पैरों में चिड़िया की भरता है किसी चंचल है, मतलब चिड़िया वह सोच रही है कि हमारी चंचलता, हमारी चिड़िया कब आएगी, हमारा पेट कब भरेगी। उन्हें भी लगता है कि चिड़िया के पंख, जो चिड़िया के पंख है वो अपने आप ही फड़फड़ाने लगते हैं और तेज़ गति से जाने लगते हैं। वो भी सोचती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे इसीलिए। अगला, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके ही चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता हूँ पद को बढ़ता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी जलता है। इसका मतलब है मुझसे मिलने को कौन विकल, मतलब मुझसे मिलने को कौन आएगा, मेरे लिए हित चंचल कौन है इस दुनिया के अंदर। यह प्रश्न स्थिर करता है, यह पद को भरता है, उस पर विहलता है, मतलब